चलाचलीगदञ्चल प्रवाह पाविकस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बितां भुजं गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं एक बहुत ही खास जगह पे आया हूँ गाइस, जो कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो महामृत्युंजय मंदिर है हमारे नौगांव में है, जो कि बहुत ही खास है। खास इसलिए कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, ये महामृत्युंजय मंदिर जो है अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गाइस, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है गाइस फ्रॉम वर्ल्ड वाइज, और ये असम में पड़ता है, इसके लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है गाइस। और ये नौगांव में है, तो चलिए गाइस आपको मंदिर के सामने से दिखाते हैं यहाँ का कैसे क्या होता है यहाँ पर। तभी मैंने पूजा किया था गाइस यहाँ थोड़े पहले, यहाँ पर दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस, देखिए ये, और ये 126 फीट का है गाइस, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये गाइस। और इसमें कुछ पूजा का भी नियम है गाइस यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो सामने आपको देख रहा है जो दिया जल रहा है गाइस, यहाँ पे दिया जलाना है और अगरबत्ती यहीं पर जलाना है, आप अंदर नहीं जला सकते। और अंदर आपको प्रसाद और फूल लेके जाना पड़ता है गाइस यहाँ से, जो अंदर में पंडित जी हैं वहाँ पर जो पूजा कराते हैं और पूजा करते हैं गाइस वहाँ पर। तो चलिए गाइस आपको सामने से दिखाते हैं और इसे चारों तरफ से घुमा के दिखाएंगे आपको कैसा लगता है। और सामने यहाँ पे दो गार्ड हैं यहाँ पे, जो कि अंदर चप्पल को पहन के ना जाए, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी दो गार्ड भैया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे। सो गाइस ये वर्ल्ड का जैसे कि ये सबसे बड़ा टेम्पल है ये शिवलिंग जो है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। गाइस ये शिवलिंग देखिए लाजवाब है, जो ऐसा मैंने पहली बार देखा, इससे पहले मैं यहाँ विजिट नहीं किया था, ये पहली बार मैं विजिटिंग है नौगांव में मेरा। सो गाइस चलिए एक राउंड मारा जा रहा है यहाँ का और देखा जाए कुछ है कि नहीं खास यहाँ देखने के लिए। यहाँ पास में एक मंदिर है गाइस, और आसपास में गाइस अभी जैसे कि नया बना हुआ है, एक साल पहले ही इसका ओपनिंग हुआ गाइस। सो अभी ये अभी डेवलप होना बहुत ही बाकी है यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये शिवलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस देखिए ये। सो गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे शिवलिंग को, जो कि बहुत ही खास शिवलिंग है गाइस, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है गाइस। और सो गाइस ये रहा पूरा व्यू गाइस यहाँ का, आप पीछे देख सकते हैं जैसे शिवलिंग दिख रहा है आपको गाइस। बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस ये शिवलिंग। सो गाइस चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग और ऊपर देखते हैं ऊपर से कुछ देखने के लिए मिले और आसपास में शायद कुछ हो जो देखने लायक हो। गाइस देखते हैं, आई थिंक आपको दर्शन करा पाए तो दर्शन कराते हैं आपको। सो गाइस आपको मैं जितना हो सका मैं भीतर से दिखा पाया, और अंदर जाना एंट्री अलाउ नहीं है कैमरा। सो आपको मैं थोड़ा थोड़ा जितना व्यू हो सका दिखा पाया। तो गाइस आपको ये कैसा लग रहा है आप वो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके।
और गाइस आप ये देख सकते हैं शिवलिंग को जो बेहद ही सुंदर है, और इससे भी ज़्यादा सुंदर गाइस अंदर का जो शिवलिंग है जो यहाँ बाबा का पूजा होता है वो लग रहा है गाइस देख के, क्योंकि बेहद ही प्यारा है गाइस और पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा गाइस यहाँ पे आके। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, अगर नहीं आए तो गाइस एक बार ज़रूर यहाँ पे आना बनता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइज सबसे एशिया का सबसे बड़ा ये शिवलिंग है जो महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है जो नौगांव में है। चलिए गाइस और साइड से देखते हैं यहाँ पे और कुछ देखने के लिए मिलता है क्या गाइस यहाँ पे। सो गाइस तो आपको ये कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएं मुझे, और ये साइड साइड में जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डनिंग किया हुआ है जो कि समय के साथ और ही सुंदर लगेगा गाइस यहाँ पे। पूरा आसपास में सब जगह गार्डनिंग ही किया हुआ है गाइस, अभी फूल का लगा हुआ है, अभी सीजन नहीं है गाइस इसलिए फूल नहीं है अभी। सो गाइस मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है गाइस आके, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग ने भी पूजा कर लिया गाइस यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात है कि गाइस यहाँ बैठने के लिए जगह भी दिया हुआ है, सीढ़ी टाइप में बना है, बहुत सारे लोग बैठते हैं यहाँ पे, और पूरा राउंड चारों तरफ से बना हुआ है गाइस जो सीढ़ी है यहाँ पे जो बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो पूजा करने के बाद लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और गाइस सबसे अच्छा बात तो यहाँ पे सफाई को लेके है, जो यहाँ पे हमेशा सफाई हो ही रहे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही गाइस दो आदमी दिख रहे हैं वो आपको जो हमेशा सफाई कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो सफाई के मामले में तो बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जा रहा है इसका गाइस। तो ये रहे मेरे दोस्त लोग यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे आप यहाँ है यहाँ। सो गाइस आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कैसा लगा आप लोग को? मस्त मस्त आके आप कैसा लगा आप लोग देख के यहाँ पे? बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और दीपक आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा बहुत। तो चलिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा सारे दोस्तों हमारे, क्योंकि हम लोग का सबका देखा जाता है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले गाइस, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से मेरे चैनल को। सो गाइस आगे भी देखते हैं कुछ देखने मिलता है तो आपको वो भी दिखाएंगे गाइस हम। सो गाइस चलिए आपको सामने का कुछ दुकान भी दिखाएंगे जहाँ पूजा वूजा का सामान मिलता है, और ये पूजा करने के लिए जो सामान यहाँ से गिना जाता है। और गाइस ये मंदिर के पास में ही यहाँ पे एक प्रसाद देते हैं, मुझे आगे जहाँ से मैंने पूजा का थाल लिया था वहाँ मुझे बताया था कि यहाँ प्रसाद मिलता है, और उन्होंने कैरी बैग भी दिया था मुझे। ये देखिए दादा दे रहे हैं यहाँ पे प्रसाद मुझे, और यहाँ का प्रसाद यही है गाइस। ये दादा का ड्यूटी स्पेशली यहाँ पे है प्रसाद देने के लिए। दादा ने बहुत प्रसाद दे दिया, थैंक यू दादा, फिर मिलेंगे। ये मंदिर के पास में कुछ दुकान लगता है यहाँ पे गाइस, जहाँ पे पूजा का सामान वामान मिलता है गाइस, देख सकते हैं आप। और ये रही आंटी हैं दुकान के ओनर है जो, और यहाँ पे आसपास में और बहुत सारे दुकान है गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हैं रास्ता के किनारे किनारे में लगाया हुआ है गाइस। और ये कुछ बाहर का लुक है गाइस जो मंदिर के बाहर जो देखने में लगता है आपको, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, साइड साइड में रोड बन रहा है यहाँ पे गाइस, और हमने यहाँ से लिया था प्रसाद गाइस, और अपना बैग भी यहीं पे रखा था गाइस हम लोग। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस जाते जाते देखिए तो छोटे छोटे पंडित जी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव।